बजट में आप देखिए कि कानून व्यवस्था आपकी बहुत बिगड़ी है, तो कानून व्यवस्था के मद में भी आप एक बजट क्रिएट करिए जो कि शायद नहीं दिखाई देगा। कानून व्यवस्था ठीक करना, उसके लिए संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, थानों का आधुनिकीकरण, और उसमें मेन चीज है कि नियुक्तियां सिपाहियों की बहुत बंपर होनी चाहिए, उन सब के लिए क्या खर्च आएंगे इसका ब्यौरा मैं समझता हूं प्राथमिकता पर होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के समक्ष और उत्तर प्रदेश के समक्ष, हिंदुस्तान के समक्ष कह सकते हैं आज, कानून व्यवस्था की है। तो चुनौती जो बड़ी है उसके लिए पैसे की जरूरत भी होती है, उसका एक खाका होना चाहिए, उसको सामने रखना चाहिए जनता के सामने कि हम कानून व्यवस्था पर इतना खर्च करेंगे। सीधी बात है, तब जब आप खर्च करेंगे तभी संसाधन होंगे और तभी उसके लिए आप सुरक्षा भी दे पाएंगे। वहां पर लगे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस पूरी घटना की समीक्षा स्वयं की है और सभी श्रद्धालुजनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक हिदायत भी वहां दिए हैं। यह एक कायराना कृत्य है और पूरे देश को इस प्रकार की कायराना हरकतों की पुरजोर निंदा करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई किसी एक राज्य की नहीं, किसी एक सरकार की नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है और पूरे देश की इस लड़ाई में हम सबको इस राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में सहयोग करना चाहिए, जिससे इस देश से आतंकवाद का नामो निशान मिट सके और इस देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। महोदय, इस घटना के तत्काल बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय की एक आवश्यक बैठक रात्रि में ही की है। सावन का महीना वैसे भी काफी महत्वपूर्ण महीना है, एक पवित्र मास है, बड़ी मात्रा में श्रद्धालुजन इस अवसर पर शिवालयों में, पवित्र ज्योतिर्लिंगों में जलाभिषेक का कार्यक्रम करते हैं और उत्तर प्रदेश में भी इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पूरी व्यवस्था तय की है और रात्रि में ही पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी करते हुए श्रद्धालुजनों की सुरक्षा के साथ साथ हर संभव मदद सभी श्रद्धालुओं को प्रदान करने की व्यवस्था प्रदान की है। हम लोगों ने इस संबंध में कावड़ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से भी कुछ अपील की है। खासतौर पर ये देखा जाता है कि जहां भीड़भाड़ होती है, समूह इकट्ठा होता है, तो वहां पर कुछ शरारती तत्व उसका लाभ उठा करके कोई भी ऐसी घटना घटित कर सकते हैं जिससे जो न केवल सुरक्षा के लिए अपितु कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर संकट पैदा कर सकता हो। इसके बारे में अलर्ट जारी किया गया है और सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य संबंधित राज्यों जो उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं, उनके अधिकारियों के साथ लखनऊ में मैंने स्वयं भी बैठक ली थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह भी जाकर के उन राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस बात को सुनिश्चित किए हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित हो। हम लोगों ने दोनों प्रकार की व्यवस्था की है, एक तरफ कावड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं से इस संपूर्ण व्यवस्था में सहयोग की अपील की है, उनको इस यात्रा के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ उनकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि पहले से चली आ रही उन जबरन की घटनाओं पर रोक भी हम लोगों ने लगाई है कि ऐसा कुछ भी न हो जिससे कोई श्रद्धालु की भावना आहत हो। कावड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि वे प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं यात्रा के दौरान और इसको कोई भी प्रशासन
जबरन रोकेगा नहीं, उन्हें उसकी परमिशन, कावड़ यात्रा में जाने वाली समितियों की इसकी परमिशन संबंधित जिला प्रशासन से लेनी होगी। साथ साथ उनसे यह भी आग्रह किया गया, अपील की गई है कि सभी कावड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु अपना आईडी प्रूफ अपने साथ रखें, जिससे किसी भी प्रकार की उसमें अगर पहचान का कोई संकट न हो, क्योंकि अगर कहीं पर कोई त्वरित कार्रवाई करनी हो सुरक्षा बलों को, तो उस समय पहचान का कोई संकट किसी के सामने ना आने पाए, इस दृष्टि इस प्रकार की भी अपील उनसे की गई है। खासतौर पर ये यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और प्रदेश के अन्य भागों में भी, हर जगह लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, पवित्र जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा और पूरी सतर्कता प्रदेश सरकार के द्वारा इस संबंध में बरती गई है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार अमरनाथ जी की यात्रा में पवित्र यात्रा करके लौट रहे श्रद्धालु जनों पर जो एक कायराना हमला कल रात्रि को एक आतंकी समूह के द्वारा किया गया है, इस घटना की भर्त्सना करता हूं, जिसकी निंदा करता हूं और पूरे सदन से इस बात की अपील करता हूं कि वह इस प्रकार की किसी भी आतंकी घटना को किसी अन्य एंगल से जोड़ने के बजाय इस प्रकार की घटना की पुरजोर शब्दों में निंदा करें और आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में इस देश के प्रत्येक नागरिक को मिलकर के इस लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। मुझे यही और इस अवसर पर मैं जो श्रद्धालु जन कल की आतंकी घटना के शिकार हुए हैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। जो लोग घायल हुए हैं उनके प्रति और पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और उत्तर प्रदेश सरकार पुरजोर ढंग से इस बात को कह सकती है कि देश की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम पूरी मजबूती के साथ भारत सरकार के इस अभियान के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। माननीय नेता विरोधी दल, 3 मिनट ही रह गया है। माननीय अध्यक्ष जी,